सीताराम ईशावराम जय श्याम धन्य पावन ग्राम पचेड़ा श्याम जिया के पावन भैया आज ज्ञान गंगा के धारा वो हाईवर जावा थे अब ये गंगा ले देख हो भारी गहरा दिखे कौन जनी डुबक सकू जी डुबक सकू और हिम्मत दी हूँ अथे कहनगाश्राम तू मन सोचत हो मन अच्छा अच्छा पहरे ओढ़े है अच्छा अच्छा कलर देखाई अच्छा अच्छा झांकी देखाई यही बात सोचत हो है नहीं पर वैसे कुछ नहीं है कहते ना सुख तरियम दा परवा कोबड़ा एक काठा धान देख के इसका ठा बोदरा कहते ना आशीर्वाद हमर मन कर कल है ना सकल है कल है ना कल है दाई हो हमन सिर्फा रामचित मानस के पावन कथला आप मन के बीच में रखे के प्रयास करवो कहने का आशीर्वाद ये कथा में कोनो प्रकार से गलती होला ध्यान मत दो और जैन शब्द आप मन अच्छा लगी होला सुंदर अपन हृदय चरित्र में अमल कर लू कहने का आशीर्वाद कथे ना राम कथा पर्याप्त न सुनना बस सांचे में ढलना होगा और चले राम के पद चिन्ह होकर अब इतिहास बदलना होगा कहने का श्री राम श्री राम एक कलयुग में सुंदर राम नाम ही एक सहारा है जैन संसार रूपी भव सागर से बेड़ा पार हो के सुंदर मौका है कहने का श्री राम बड़ा मुश्किल से मानुष तरी को नहीं मिलते श्री राम तो दो घड़ी परमात्मा के पावन कथा ला श्रवण पान करके अपन मानव जीवन ला सफल बनाना है कहने का श्री राम जय जय आज बारी मत है गृत होय बाबू रामा और ये सीता ते वैते अब बिहारी भजन न भाव तारी राम आया सिद्धांत अपने बिहारी भजन न भाव तारी राम आया सिद्धांत अपने हो राम बिहारी भजन न भाव तारी राम आया सिद्धांत अपने हो राम बिहारी भजन न भाव तारी राम आया सिद्धांत अपने हो राम बिहारी भजन न भाव तारी राम आया सिद्धांत अपने हो राम बिहारी भजन न भाव तारी राम आया सिद्धांत अपने हो राम स्वामी तुलसीदास जी महाराज राम चित मानस में बात लगे थे श्री राम लेख कर रहे की ते कते भले ते नदिया के रेतीला पैर के तेल निकाल ले तरिया के पानी लमत के लेवना निकाल के घी निकाल ले ये बात संभव हो सकते श्री राम काबर श्री राम ए विज्ञान के युग है वैज्ञानिक जमाना है कहने का श्री राम जय जय हे श्री राम लेकिन बिना भगवान के भजन बिना श्री राम ए जीव आत्मा के कल्याण नहीं हो सके कहने का श्री राम जय जय हे श्री राम एक घड़ी याद हो घड़ी पुण्य याद हो की याद और तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध कहने का श्री राम जय जय हे जब कभी समय मिल जाए सुंदर परमात्मा के भगवान के भजन ला करके अपन मानव जीवन ला कृतार्थ कर ले थन कहने का श्री राम जय जय हे श्री राम सीता राम ईशावराम जय जय हो आज मैं आप मतलब सुंदर राम चित्त माना द्वितीय सोपान अयोध्या खंड के कथा के यात्रा कर रहा हूँ कहने का श्री राम जय जय श्री राम जैन कथा से हम लोग शिक्षा मिलते श्री राम एक भाई ला भाई के प्रति प्रेम कैसे होना चाहिए एक पुत्र ला पिता के प्रति प्रेम कैसे होना चाहिए एक बहु ला सास के प्रति प्रेम कैसे होना चाहिए कहने का श्री राम जय जय श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है गृहस्थ में रह के कैसे ढंग के मर्यादा पुरुषोत्तम मनीष कहने वही पावन प्रसंग ला आप मन के बीच में कथा के माध्यम से झांकी के माध्यम से रखे के प्रयास करत हो कहने का आशीर्वाद जय जय आए हवन हवन पचेड़ा के गाँव तुम मन के आया हुआ आए हवन पचेड़ा के गाँव तुमन देखे लाया हुआ में बनवास के कथा ये दीदी सुने लाया हो सियाराम रामे बनवास के कथा ये भैया सुने लाया हो सियाराम आए हवन ये पचेड़ा के गाँव तुमन देखे लाया हो सियाराम रंजिराई जिला है बाल गजरा बांधा मोरेगा राम कथा ला कहा तो दीदी परमेश्वर मोरे राम
रामे कथा ला जा भैया परमेश्वर मोरे आई हवन आई बजराज का तुम दिखे लया हुशिया आई हवन आई बजराज का तुम दिखे लया हुया राम कथा में उपस्थित जम्मो करुणामय ममतामय मोर महतारी मन के पावन चरण कमल मा देवी स्वरूपा बैठे मोर बहनी मन के पावन चरण कमल श्री राम दशरथ के समान विराजमान पिता तुल्य बुजुर्ग श्यान मन के पावन चरण कमल मा राम जी से बैठे जवान साथी यो भैया मन के पावन चरण कमल मा हमर जय अम्बे रामधन परिवार पावन ग्राम कचरा बांधा के लेके मन के धर ले दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम है स्वीकार करो कहना राम श्री राम जय जय श्री राम ए ज्ञान गंगा के अविरल धारा ला पचेड़ा के गली खोर में वो भैया भागीरथी के समान मेहनत करिया परम आदरणीय आयोजक समिति वाले भैया मन के पावन चरण कमल मा कहने का श्याम अवैया जवैया जम्मो झन ले एक सूत्र में बांध के रखिया आदरणीय उद्घोषक गुरु जी के पावन चरण कमल मा कहने का श्याम और ये ध्वनि विस्तार यंत्र के माध्यम से एक ज्ञान के गंगा के धार ला पचेड़ा के पूरा गली में बहावत है हमारे साउंड सर्विस वाले भैया जी के पावन चरण कमल मा कहने का श्याम और ये कौशल्या भंडार में सब मंडली वाले मल्लवार दार भात और आलू चना राना थे भैया मन के पावन चरण कमल मा कहने का श्याम जय अम्बे राम धनी मंडली के लिए मन के ढार ले दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम है स्वीकार करो कहने का श्याम आओ श्याम ए राम वनवास के पावन प्रसंग श्याम एक समय के बाद श्याम भगवान भोलेनाथ जो है माता पार्वती के साथ में कैलाश पर्वत में विराजमान होने लागे कहने का श्याम भगवान भोलेनाथ माता पार्वती आज सुंदर कैलाश पर्वत में निवास करते दाई हो दोनों प्राणी कहने का श्याम सीताराम ही सवदान जय जय और चल रे कंवरिया शिव के नगरिया बन के पुजरिया चल रे कंवरिया शिव के नगरिया बन के पुजरिया चल चल कंवरिया शिव के नगरिया बन के पुजरिया रिम 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 भरसे रिम 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 भरसे सावन के बदरिया चल कंवरिया शिव के नगरिया बन के पुजरिया चल कंवरिया शिव के नगरिया बन के पुजरिया भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में सुंदर कैलाश पर्वत विराजमान थे श्री राम वही समय माता पार्वती कथे सुना तो भोला एक ठन बात कथो तोला और रिस मत कर हो स्वामी डर लाग थे मोला कथे नगा श्री राम अब गणेश की दाई का बात तेला बताना वो अरे नारी परानी तो हवन थोर को झंडर राना वो का बात है तोर मन में पार्वती मोला कही डर कथे माता पार्वती कथे भोलेनाथ आज मोला कथा सुने के मन है मोला कथा सुना देते कहने का श्री राम माता पार्वती भोलेनाथ से कहवर लगे का मोला कथा मोला कथा सुना देते भोला मोला कथा बता देते मोला कथा सुना देते भोला मोला कथा सुना देते भोला मोला कथा बता देते मोला कथा सुना देते भोला राम लखन सीता मैया के राम लखन सीता मैया के कथा सुना दे मोला कथा सुना देते भोला मोला कथा बता देते
आज कैसे पर दिन में कथा सुने के मन करे सो कथे तो कथा सुने के मन कब लाग थे वो अब बड़कन महतारी में बैठे हो दीदी में बैठे हो कथा सुने के मन कब लाग थे के गांव कथा सुन तो साल में भागवत रामायण रामधुनी छोड़ ये तो खैर होते रहते आओ वैसे नहीं बेर बेर कब कथा सुन तो नहीं जानो कमर छठ के दिन वो है नहीं कमर छठ के दिन उपास रखो तो कथा सुने जाते नहीं और बात बात माता पार्वती भगवान भोलेनाथ लग कब कथा सुनाल की जब तीजा के उपास रही ते दिन माता पार्वती भगवान भोलेनाथ लग उपास कथा सुनाल की तो तुम उपास रखो तीजा उपास तो कौन कौन कथा सुन थो उपास में कहा कथा सुने वहां खतरा पद के फुर्सत नहीं है खतरा है नहीं जिंदगी में है ना है ना तो माता पार्वती तीजा उपास रही तो तू मन का पर तीजा उपास रचो है कैसे नहीं गोठिया वो जानी मानी पचेड़ा बोझल तो ही मन बहा दे है तैसे मोहल वहां कोहरा कोहरा का संग रखो है ना है ना अरे माता मन हा तीजा उपास से कर सती रहते श्रीराम अपन पति के लंबी उम्र के कामना करे बर सुंदर तीजा के व्रत रथे कहने का श्रीराम उसी प्रकार से माता पार्वती सुंदर भगवान भोलेनाथ लकी इस भोलेनाथ कथे पार्वती ते कथा सुनना चाहता सत अच्छा बात है लेकिन कथा सुने से पहली अपन मन के संशय दूर करना पड़े ही कहने का श्रीराम तब मन के संशय दूर कब हुई राम राम सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावन हरी राम राम के ताली बजा के इस शरीर के अंदर के संशय दूर करबो तब कथा में मन लग ही कहने का श्रीराम ये केवल पार्वती पर लागू नहीं होते हाँ ये बैठे तिकरुमन पर लागू होते तहु मन मोर कथा सुने पर बैठे हो ना तो तहु मन अपन मन के संशय दूर करे बार सुंदर एक बार भगवान के नाम से जयकारा लगा के ताली बजाना है कहने का श्रीराम रहा ना वो बड़ा पोए बोल चालू कर भजन चालू हुई गाना चालू हुई ताली बजाओ और अच्छा जोरदार बजाओ भाई और डबल के हेलमेट लागे सीताराम शबराम और लगे भोला के दरबार तब भोले लागते खाली खाली अगर झूम करोगा जयकार नहीं आवे ये मौका आओ काली नहीं ते भोले बाबा दी गाली नहीं ते ऊपर वाला दी गाली और दे ताली भैया दे ताली दे ताली दे ताली भैया दे ताली दे ताली दे ताली भैया दे ताली दे ताली लगे राम दरबार तब भोले लगा दे ताली ताली अगर झूम करो जयकार नहीं आवे ये मौका यो काली नहीं ते भोले बाबा दी गाली नहीं ते भोले बाबा दी गाली कहा है ऊपर में कहा है मैं पिलो ऊपर ला देखो ऊपर में समियाना लगे है खुद का मन ला बांधे है और कहा है कथो ऊपर वाला गाड़ी नहीं कथो तू ऊपर डाले देखो तू ऊपर में कुछ कुछ नहीं है वो तो संवाद देत खड़े एक लोटा जल सारी समस्या का हल है नहीं सब शिव भक्त हो यहाँ हावे नहीं शिव भक्त का कौन कौन जाता हो शिव मंदिर में पानी जल अब चढ़ाला है ओ दोनों ने हाथ उठा दिए तो मंदिर में जाता था काम मांग था भगवान भोलेनाथ ला वो है वो तो गोठिया नहीं ये भोलेनाथ का राग मांग के देख अभी तुरंत तुर झोली भर दी तो तू मन तो एको झन ताली नहीं बजा दो बने तो कहां भगवान प्रसन्न होही श्रद्धा विश्वास के साथ में जल चढ़ावे तब तुर मनोकामना पूर्ण होही मन के तड़बड़ है लेकिन ताली नहीं बजा ठोकर हिसाब से ताली बजाए से अड़बड़ फायदा है श्रीराम ताली बजाए से बिपिक बीमारी नहीं होए प्रैक्टिकल करके देख डरे भाई कई जन मन और चुन्नी नहीं पाके कथे है ना
तो राम कथा सुनना है तो चेहरा में स्माइल होना चाहिए, शरीर में स्फूर्ति, तब राम कथा में मन लगते है। अब तो भैया मन बिल्कुल मिटका दे, तो ताली कैसे बजाना है, ताली कैसे बजाना है, ताली यो नहीं बजाते जिनकी जिंदगी में गम होता है, काकर काकर जिंदगी में गम है, ताली यो नहीं बजाते जिनकी जिंदगी में गम होता है, और ताली तो बजाते हैं मेरी माताओं जिनकी दोनों हाथों में दम होता है, दोनों हाथ ऊपर उठाओ और एक साथ बजना चाहिए ताकि पचेड़ा का वाज कदरा बांधा अंदर चले जाए। अब दे ताली भैया, दे ताली, दे दे ताली, दे ताली भैया, दे ताली, दे ताली, दे ताली भैया, दे ताली, दे ताली, दे लगे राम दरबार तमोले लगा से ताली ताली, अगर जोग करो दरबार नया वाले मोला जो ताली, ऐसे ऊपर वाला दी है ताली, ऐसे भोले वाला दी है बोलिए भोलेनाथ की जय। तब भगवान भोलेनाथ की, पार्वती हाँ अब तोर मन के अंदर के संशय दूर हो गए, अब ते ध्यान से कथा सुन में बतावा थो कथे नगाचरण। एक समय के बाद है पार्वती राजा दशरथ के तीन जन रानी हो से कौशल्या सुमिंद्र और कई कई कहे नगाचरण, तीनों जन रानी बन के चार जन पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और चारों भाई सुंदर राजा दशरथ के अंगनामा किलकारी मारा थे नगाचरण, चारों लन्ना सुंदर बार गए और राजा दशरथ के अंगनामा खेल खेला थे कहनगा श्रीराम। जय जय श्रीराम। भगवान के अवतार कब होते श्रीराम, जब जब हो धर्म की हानि, मारे असुर अधम अभिमानी और सप्त प्रभु दरवि श्रीरा हरु नाथ मम सज्जन पीरा, जब जब धरती में अत्याचार बढ़ते तब तब भगवान अवतार लेना पड़ते कहनगा श्रीराम। जय जय से मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है अपन अंश सही राजा दशरथ के घर में अवतार ले है कहनगा श्रीराम। चारों भाई सुंदर राजा दशरथ के अंगनामा पार्वती कैसे मजा के किलकारी मारा थे खेला थे कहनगा श्रीराम। हरी कथा में तोला विस्तार से पार सुना मत हो कहनगा श्रीराम। अब ये मन भावन लागे राजा सुहावन लागे राजा, मन भावन लागे मन भावन लागे राजा हो सुहावन मन भावन लागे रामा हो सुहावन लागे राम, मन भावन लागे राम मन भावन लागे रामा हो सुहावन ये दे चारों झल का मन कथे मैया अरे ओ मैया मैया कथे राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत भरत काय बेटा काबर चिल्लावत होगा कथे माँ ते हम लगारी काबर दे थसुआ आज हम लग खेल शौक लागत थे खेल खेल वो कथन तक कथे मैं काबर गारी दूँ रे मुल्लल ना हो तुमन खेल खेलना चाहत हो ना ठीक है बेटा ए डेरौठी में खेलो अंगना में एती ओती मत जाओ तान में तुमन ला काबर गारी दूंगा कथे हामा हम अनहिच कर खेलबो वो कथे ले ठीक है बेटा तुमन ही कर खेल खेलो मैं सुंदर अपन कक्ष में अपन बाला समारत हूँ कहने का श्याम। जय जय राम लक्ष्मण भक्तगण कथे राम कथे लक्ष्मण का खेल खेलबो भाई कथे शत्रुघ्न कथे भैया अपन दिन हो गया कहा जी अब बड़ दिन हो गए गेंद नहीं खेले हम चलो गेंद खेलता मजा ही करते हाँ और जो नीच हो पर सब हिट चटावती फिर कहते हाँ चलो चलो गेंद खेलता कहते श्री राम। जय जय और वही समय में ये दिन रामा
चारो भाई का हो राम गेंद खेलन लागे राम मने भावनी लागे राम हो सुहावनी लागे राम मने भावनी लागे राम एक दूसरे के ये हाथे में गेंद देवन लागे राम कैसे खेलन लागे राम मने भावनी लागे राम हो सुहावनी लागे राम चारो भाई सुंदर मजा के भैया खेलन लागे राम मन भावन लागे राम मन भावन लागे भैया हो सुहावन लागे राम मन भावन लागे राम लक्ष्मण कथे नहीं भैया तू मन हम जला राम देव थे यार कथे वाह वाह ते झोंकन नि सकत ते हम मन का करबो ते दामन देव ता कोन दे कथे लक्ष्मण कथे ठीक है भैया अभी आखरी है अबे तारी जंदी आइलू ना हमनी खेलन कथे ले लक्ष्मण चल भैया री सामत कथे लक्ष्मण बाल फेंके लरी जब लक्ष्मण बाल फेंकिसना तो गेंद जो निकाल कर हाथ में गिस प्रभु राम के हाथ में कहन रास राम जय जय जब लक्ष्मण बाल ला फेंकते तो राम हां ओ बाल ला झोंकिस राम अब राम कथे लक्ष्मण एक गांव भाई अगर ये बाल झोंक दे तो ठीक है नहीं फिर तो दामा दे लागे कथे हाँ कथे अब ओ डहर राम हां जब वो गेंद ला फेंकिस ना तो कहां चल दी महारानी कई कई के कक्षा में कहन रास राम जय जय राम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कथे भैया ते कामर एक्सचेंज कर थज कर काला जी ले तो बाल के ते डहर चल दी सामान खोजत हन मिलत नहीं है कथे ले ठीक है भैया मैं खोज के लात हूं कहन रास राम जय जय वही समय में ये दिन रामा गेंद खोजने लागे राम चारो भाई का हो राम मन भावनी लागे राम हो एतियोति ले खोज से नहीं मिले राम कथे ठीक है तोहर मन से नहीं मिला तो मैं खोज के लात हूं जी कथे आओ राम जोन है वो तो जानबूझ के माता के कई के कक्षा में फेंके रहा है श्री राम राम जो है गेंद लाए वर्गीस तो माता के कई अपन बाल ला संवारत रहा है मगर रह जाके राम अखिल मुंदे कथे अखिल मुंदी माता के कई कथे ललना छोड़ ना राम छोड़ ना बेटा कथे वाह वाह ते मोला पहचान डरे दाई कथे वाह अपन के लैकल नहीं पहचान होगा ए दुनिया तोर खुशबू से जानते बेटा ते तो मोरा औलाद दस मैं तोरी स्पर्श से कैसे नहीं जान हो राम कैसे मां ते मोला तिक प्रेम कर थस वाह मैं तोला अपन प्राण से ज्यादा प्रेम कर थो बेटा मां ठीक है मोला तिक प्रेम कर थस तुम और एक ठन कहना मानबे का कथे एक ठन ठन मैं तोर लिए दस कहना मान सकतो राम का बात है कथे निराश राम देखो माता कह कही राम से कितना प्रेम करते कौन कौन भगवान से प्रेम करते दाई हो बताओ भैया मन बताओ दाई मन बताओ भगवान से कौन कौन प्रेम करते हाथ उठाओ काबर काबर हो हे भगवान अगरबत्ती जलाते नहीं देवता कर तो का मान था अगरबत्ती जलाते जलाते अगरबत्ती जला देता है भगवान ऐसो सरकार 20 क्विंटल लेने वाला है अमर धान अक्कड़ में 40 बोरा हो जाते भगवान ऐसो देवारी वन मने रट रट रे गोलू बन लेवते हैं प्रभु स्वार्थ छिपे है लेकिन निस्वार्थ भाव से भगवान के आस्था लगाना चाहिए कहने का श्राम जय जय माता कई कई यदि प्रेम करते तब कथे बेटा ते देख ते थस थस में तोर दस कहना मान हूँ कथे माँ मैं इसे विश्वास नहीं करूँ ते पहली मोर कसम खा कथे वाह ये करे पर कसम खा हो रे तो हूँ अलकर हक उठिया था श्राम कथे नहीं माँ ते मोर कसम खावो तभी मोला मालूम पड़ी कथे नगा श्राम जय जय ले ठीक है राम तोर कसम खात हूँ बेटा का मांगना चाहता का बोलना चाहता तोर मन के बातला कही डार कथे नगा श्राम जय जय और समय परमात्मा राम
माता के कई लकथे श्राम अब माता के कई कसम खा दी तो राम कथे माँ जिन में बात कहना चाहतो ओकर से ये दुनिया में तोर बदनामी हो ही कथे नगा श्राम माता के कई कथे मोर बदनामी हो ही ठीक है बेटा मैं बदनामी सहेब तैयार हूँ अगर मोर पुत्र खुशी रही ना तो कर मोर कोई परवाह नहीं कथे माँ मैं एक ठनऊ बात कहना चाहता हूँ वो कथे वो का बात है जेन बात मैं कहना चाहता हूँ ओकर से दुनिया के कोनो दाई जदावन अपन बेटी के नाम कई कई नहीं रखे कथे नगाशराम माता कई कई कथे ठीक है बेटा अगर कोनो दाई दमन अपन बेटी के नाम के कई नहीं रखना चाहते मोर नाम से मला एलर्जी है तो मत रखे लेकिन मोर लड़का मन तो सुखी रहू ना कथे मोर पुत्र से बढ़ के मोर और कुछ नहीं है राम ठीक है यहू बात मंजूर है परमात्मा राम तीसरा बात का बोली श्री राम परमात्मा राम तीसरा बात बोली कथे माँ जेन में बात कहना चाहता हूँ ओकर से तोला वैद्यता के जीवन भी गुजारना पड़ी कथे नगा श्री राम परमात्मा राम कथे माँ जेन में बात कहना चाहता हूँ ओकर से तोला विधवा के जीवन घलो गुजारना पड़ सकते कथे माता के कई मौन हो गए श्री राम माता के कई मौन हो गए अगर मुंह से बोली नहीं निकल सकी सोचे कौन महतारी मन कौन बहिनी मन नाई हो विधो रहना पसंद करे चाहे ओकर पति खटिया में अपंग भी पड़े रहना तो माता जो है भगवान से प्रार्थना करी कि परमात्मा मोर सुहागला सदा अचल रखबे मोर सुहाग ऊपर कोनो प्रकार के आंच मत आए लेकिन आज माता के कई वचन में फंस के श्राम परमात्मा राम की कसम खा है माता कह गई सोच के बाद में कहते ठीक है बेटा अगर मोर विधवा हो से तोर जीवन ला सुखी मिली तो ये बात भी मंजूर है आज माता के कई जो है राम ला वचन दे देते कहने का श्राम परमात्मा राम कहते माँ ठीक है जब मोर राजा दशरथ जी महाराज मोर पिताजी मोर बर बिहाव करही और जब मोर राज तिलक के घोषणा करही ते समय महाराज से मोला 14 साल के वनवास मांगवे कहना श्री राम जय जय माता के कई कथे ठीक है बेटा मैं तोर वचन की पालन जरूर करूँ ऐसे की परमात्मा राम माता जी के चरण कमल के प्रणाम करते कहना श्री राम देखो दाई हो माता के कई राम ल श्री राम मनाए बर कतका बड़े कुर्बानी देते कहने का श्राम जय जय और चारों झंडे का मन सुंदर गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते जब योग्य हो जाते राजा तथा चारों झंडे के बर बिहाव लगन संपन्न कर दी जब बर बिहाव हो जाते ना तो राजा दशरथ जी महाराज सुंदर समाज सहित राज सभा में विराजमान होवन लागे कहने का श्राम जय जय झलमला मां विराजे हावे मैया हो राम झलमला मां विराजे हावे गंगा मैया हो राम मोहनी बरन लाए झलमला विराजे हावे गंगा मैया राम मोहनी बरन लागे मोहनी बरन लागे साधो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी महाराज राज्यसभा में पधार रहे हैं हो महाराज दशरथ की जय महाराज दशरथ की जय झलमलम विराजे हावे गंगा मैया राम मोहनी बरन लागे राम झलमलम विराजे हावे गंगा मैया राम मोहनी बरन लागे राम झलमलम विराजे हावे गंगा मैया राम मोहनी बरन लागे चारों दिशा में राजा दशरथ जी महाराज के जय जयकार होत रहा श्राम महाराज दशरथ जी महाराज मंत्री मल्ल कथे मंत्रियों महाराज मंत्रियों आज हमारे अयोध्या नगरी में
सारी प्रजा तो कुशल मंगल से है ना थे महाराज। जे नगर के राजा आप जैसे महाराज राज करही और नगर के प्रजा मल्ला भला का तकलीफ हो सकते राजन कथे नगासराम। सबके लिए खुला खजाना है महाराज, भूखे ला भोजन निवस्त्र ला कपड़ा, कोई ला कोनो प्रकार से तकलीफ नहीं हो वंदेवा थके नगासराम। शाबाश मंत्रियों के और सुंदर राजा दशरथ जी महाराज प्रसन्न हो के राज सिंहासन में विराजमान हो वन लागे कह नगासराम। समय का समय सब सही का समा जा रामा सकल सुकृति मुहूर्त नर ना हो रामा सिया रामा राम सुजस सुनिया तू साहू राजा दशरथ समाज सहित राज सभा में विराजमान हो गए श्री राम और राज सिंहासन में बैठे रहे तो उस सिंहासन में दर्पण मारे रहते थे। राजा दशरथ के हाथ दर्पण में चल दी, राजा दशरथ दर्पण लग से हाथ में धरी, तब हाथ में धरते तब का करते वो तुमन दर्पण ला हाथ में धरते तो का करते हो कछु कहीं नहीं करो। दर्पण देख के हम अपन चेहरा के कमी ला दूर कर थन है ना, कोनो प्रकार के चेहरा में कमी तो नहीं है इसी के वही प्रकार से राजा दशरथ जी महाराज जब दर्पण देखिस तो गट मुकुट तिरछा हो गिरी ओला सोझे बिचा रहा। आप सोझिया के एक घाम दर्पण देखे से मन नहीं मारे है, दोबारा दर्पण देखी तब दोबारा दर्पण देखी तो का होई राम श्रवण समीप भय सीत के कान करके बाल पाक जा रहे थे श्री राम। आजकल बाल पके कोई ठिकाना नहीं है, साल भर नहीं होने पात लड़का मन के चुनी पाक जाते। लेकिन ये त्रेता युग के बाद राजा दशरथ जी महाराज जब कान करके बाल सफेद हो जाए कृष्णा तो सोच दरी कि हे भगवान अब मोला मोर चौथा पन संकेत करते है, मैं राज पर चला के योग्य नहीं रह गये। एक अर्षित था तो राम और बड़े बेटा है राम अयोध्या के राजा बना दे थो कहने का श्राम। ऐसे राजा दशरथ जी महाराज सुंदर मन में विचार करते श्री राम कबर ये दुनिया की रिवाज है, जब अपन बेटा है योग्य हो जाते ना तो हर माँ बाप के सपना रहते कि अब हम हाँ लड़का ला सियानी लेबो तब घर के जवाबदारी ला समझ ही कहने का श्राम। वही प्रकार से राजा दशरथ जी महाराज दात दर्पण देख के आत्मिक्षण करी श्री राम। लेकिन हमारे जैसे कलयुग के मन खेमन काबर दर्पण देखथन अपन ऊपरी आवन समर्थन श्री राम, लेकिन ओकर से कुछ मिलने वाला नहीं है। अरे देखना है पढ़ना है तो राम चित्तमानस रूपी दर्पण ला देखो पढ़ो, जेकर से हमर जीवन के जम्मो बुराई हदूर हो ही कहने का श्री राम। राजा दशरथ जी महाराज विचार करके ए बात ला मंत्रिमंडल में प्रस्ताव करी तो मंत्रिमंडल के सदस्य मन के इसके महाराज आप धन्य हो, आप अपन जीते जी राम अयोध्या के राजा बना दो महाराज ताकि आपके जीवन धन्य हो जाए कहने का श्री राम। राजा दशरथ जी महाराज के थे मंत्रियों ये बात तो ठीक है, लेकिन गुरु गुरु वशिष्ठ जी का राय जानना है, उनका क्या विचार है, उनका क्या इरादा है। चलो गुरु वशिष्ठ जी के पास में चलते हैं कहने का श्री राम। और राजा दशरथ जी महाराज मंत्री मन के साथ में सुंदर गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम चलन लागे कहने का श्री राम। बस करी हम बोल संगवारी
लो बाबो कर्म बाबो सुआयो धरिया ताक दिना दिन मंदर बाजे बजारे बनरिया ताक दिना दिन मंदर बाजे बजारे बनरिया लो बाबो कर्म बाबो सुआयो धरिया लो बाबो कर्म बाबो सुआयो धरिया दिना दिन मंदर माजे बजारे बनरिया तक दिना दिन मंदर माजे बजारे बनरिया तक दिना दिन मंदर माजे बजारे बनरिया ये राजा दशरथ मंत्री मन के साथ में वशिष्ठ जी के पास में चले गए श्री राम। मंत्री मन देखते कथे मंगलो काय भाई बुधारू काय जी दस भैया आहत बड़ मनखे आजी ओ धन्य भगवान गुरुदेव के आश्रम में अड़बड़ मनखे आए कथे वाह वाह तो हूं नहीं जाना सर भैया कथे काला जी आ सब खेदा खेदे है ना बड़ा सुहारी खा है तो सुंदर राम का तो सुने बड़ा है बिचारी मन कथे हां खैर ठीक है गुरुदेव है कि नहीं ता जी चलना पता कर वो तो पता चल ही जी कथे मंत्री मन देखते वो तो वहां सुंदर भगवान के ध्यान लगा हर भैया ऐसे की जाके मंत्री मन गुरुदेव को प्रणाम करते गुरुदेव प्रणाम गुरुदेव आयुष्मान भव राजा ने आयुष्मान भव मंत्री हो जुग जुग जियो हो कस मंत्री हो का समाचार लेके आओ जी कथे का बात ला बतावे गुरुदेव हमार मन के साथ में महाराज घलो आए कथे महाराज दशरथ जी महाराजा के प्रणाम करते गुरुदेव प्रणाम आयुष्मान भव राजा सुनाओ महाराज आपके आगमन कैसे ढंग के होइस कथे गुरुदेव अब मोला मोर चौथा पन उपदेश देवा थे गुरुदेव मैं राज पर चला क्यों गिनी रह गयो एक अरसेती मन में विचार करे हो कि राम मोर बड़े बेटा है तो राम लायो अयोध्या के राजा बना देते हो कहने का श्री राम राजन ये तो आपके अति उत्तम विचार है धर्म नीति के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य के उत्तराधिकारी होते आप बहुत अच्छा ढंग से विचार करे हो राजन कहने का श्री राम तो गुरुदेव एक कर लिए आप मन सुंदर सुम मुहूर्त बता देते गुरुदेव कौन घड़ी में राम के राज तिलक सुम रहे गुरुदेव सुंदर लगन पत्रिका धरा देते कहने का श्री राम और राम है राम है राम है राम अब राम के भजन में मन लगाई गले हो राम दिन राम सुंदर मोहरा था भैया दिखाने लागे राजन एकर ली न तो मुहूर्त देखे के जगत न लगना आप जिन घड़ी में राम के राज तिलक करना चाहते महाराज वही घड़ी बड़ा शुभ रही बल्कि जाओ राज तिलक की संपूर्ण तैयारी करवाओ गांव गांव नगर नगर में राम राज्य के निमंत्रण भिजवा दो गली खोर चौक चौराहा तोरण पताका लगा कर सजवा दो और सुनो राज तिलक के समय जितने भी पूजा के सामग्री लगते पूरा सामान तैयारी करवा के रख लेना क्योंकि कल ही राम का राज तिलक होना है कहना श्राम का बात सुनिश राजा दशरथ जी महाराज प्रसन्न हो गए कथा मंत्री हो महाराज प्रणाम राजा जाओ जाकर गांव गांव नगर नगर में राम राज्य की सूचना दे दो गली खोर चौक चौरामा तोरण पताका लगा कर सजा दो और सुनो राज तिलक के समय जितना भी पूजा के सामग्री लगते पूरा सामान इकट्ठा करके रख लेना क्योंकि कल ही राम का राज तिलक होना है कहने का श्राम मंत्रिमन कथे महाराज कालीचरण महाराजा बनी हाँ मंत्रियों कल से अयोध्या के राजा राम होंगे कहने का श्राम का बात सुनिश मंत्री मन राम राजा बनने वाला है कि मंत्री मन के खुशी लेखा पूछे श्राम
जतिक बेले मंत्री मन राम राजा बनी के सुने ना ततिक बेले मंत्री मन सोचा थे का आन का जान कोला नेतन कोला पूजन कैसे कर ऐसे मंत्री मन मगन हो गए हावे कहने का श्राम और दोनों जन मंत्री मन मार उत्तर धुरा चलन लागे कहने का श्राम अगर राम राजा बनने वाला है कहीं कति खुशी मनावा थे मंत्री मन तेकर खुशी के कोई ठिकाना नहीं है कहने का श्राम और बीरना बीरना रे बीरना 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 रे बीरना बीरना रे बीरना 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 रे बीरना बिरना बिरना रे बिरना रे बिरना ए बुधारू काय जी का बिरना बिरना लगा हस अभी राम राजा बना थे सुंदर भजन गाते कोनो ददरिया गाते तो कहां बिरना बिरना लगा हस वाह वाह नी समझा सरे भैया तो हो कथे कैसे जी हमार ये शरीर बिरना है जी कथे कैसे बिरना बता था सेहत कथे अरे ये शरीर की कीमत कब है जब तक ये शरीर में श्वास है तब तक ये शरीर की कीमत है भाई कोनो श्वास बंद हो गई तो आधा घंटा नहीं लागे तुरंत कठरी तैयार हो और मसान के निमिले के पाट दी है तब ये शरीर माटी तो जी है देखरे से तित कुम्हार मल्ला माटी है कथे जी कथे वाह वाह कुम्हार सन में माटी गोठी अहिर भैया कथे वाह कुम्हार सन में माटी गोठे थे भैया जब कुम्हार मन हा माटी ला लाके मता के ओला राउंड राउंड के मता थे राउंड राउंड के मता थे और मता के चाक में रख के ओला करसा बना थे कुड़ेरा बना थे हड़िया बना थे तब माटी के जी कल लथे ना तब माटी कुम्हार ला कथे कथे कैसे जी कथे माटी कहे मोला धीरे धीरे रौद में माटी गोठिया थे भैया हाँ माटी गोठिया थे माटी कहे मोला धीरे धीरे रौद में अरे एक दिन आओ सर आही रे मोरा अरे एक दिन आओ सर आही रे मोरा और मेरा ना हो तो ये तो दोनों जन मंत्री मन सुंदर दाई हो ना चल गावत राम नेता देवर जावत रहे मंत्री मन कथे बुधारो अरे सुंदर भैया ले तो अधिक जन योजना बना हान ना तो पत्रिका छपो हन ना कारण धरे हन कैसे ढंग के ने होता देखो कथे एकरे बार भला लगे हसियार एक एक ठन मोहल्ला में जथन और सुंदर राम राज्य के ने होता देखन कहने का श्राम ऐसे मंत्री मन जाके नेवता देवत रहा है उही बेरा मुही गांव के झंसिया निंदाई घर सुंदरी राम राजा बनने वाला है के तो वो भगवान के भजन गावत बिचारी हा वो आज अवधपुर के गली खोर में चलत रहा है कहने का श्राम अब वो सिया निंदाई सुंदर राम के भजन गावत चल लागे कहने का श्राम भजन बिना मुक्ति अब नहीं तो मिले भैया भजन बिना मुक्ति नहीं तो मिली दीदी वो भजन बिना मुक्ति नहीं तो मिली भजन बिना मुक्ति नहीं तो मिली भैया गा भजन बिना मुक्ति नहीं तो मिली दाई वो भजन बिना मुक्ति नहीं तो मिली जा भजन बिना मुक्ति नहीं तो मिली भैया गा भजन
नहीं तो मिली दीदी वो भजन बिना मुक्ति नहीं तो मिली भजन बिना मुक्ति नहीं तो मिली भैया भजन नहीं तो मिली दीदी वो भजन बिना मुक्ति नहीं तो मिली ये मंगलूक काशियाराम कस जी राम राजा बना थे दुनिया बन के मनखे मन सुंदर नाचत गावा थे भजन गावा थे अवेला देख ले ए राजा कर हमला मार गाड़ी खवाही कर थे काबर जी अब कैसे गाना गावा तेल देख ले कथे जानी मानी कर घर पर बिहाव हो तो ही तो कहीं चीज पर अटके है तैसे पढ़ पढ़ के दुनिया बतावा थे कथे कैसे जी एक हाथ तेल सुना था कथे कैसे कहा थे भैया बेसन बिना बुंदी नहीं तो बने भैया गा बेसन बिना बुंदी नहीं तो बने दीदी वो बेसन बिना बुंदी नहीं तो बने अरे भाई मान कहो गार मारी खवावे कथे काबर जी उसने तो कहा थे तल में बतावा तो कथे चल तो बोला पूछा था तो लगे थे चल चल ए वो ए दीदी कथे काय भैया काय गा कथे कसवो ते का भजन गावा था ए टुरा कैसे कथे बेसन बिना बूंदी नहीं बने के एक तोल कहा कथे तार रे भाई मान हो ओइसा नी कहा भैया कथे कैसन कहा था दीदी कथे महुआ सुने होगा राम राजा बन थे कह के अब बार खुशी लागत थे भैया तो महु सुंदर ये घर के बूटा कामला कर दे हो अब वही डहर सुंदर तुहरे मनसन में नाचो कहो के महुआ हो कथे मैं कहा तो भैया ये तन के कोई ठिकाना नहीं हैगा हरी भजन काम ही बिना भगवान के भजन बिना ये जीवला मुक्ति नहीं मिल सके यही बात भजन लगावत में मत हो कहने का श्री राम कैसे गावा था दीदी कथे ऐसे कथो भैया अवकाल हरि के नाम भजन बिना मुक्ति नहीं तो मिली भैया का भजन बिना मुक्ति नहीं तो मिली काले हरि के नाम भजन बिना मुक्ति नहीं तो मिली भैया का भजन बिना मुक्ति नहीं तो मिली यादे मंत्री मन फिर दूसरा पार हम जाते और नेवता देवा थे कथे कुल किसान सुनो अवधपुर के पूर्वासी मल्ला झारा झारा नेवता है ओकर साथ साथ बचेड़ा के जम्मू दाई दीदी भाई बहनी मल्ला घरों झारा झारा नेवता है काली राजा दशरथ के बड़े बेटा राम के राज तिलक होने वाला है गांव भर झारा झारा आवत जाओ ऐसे खेती होती जाके सुंदर राम राज्य के नेता देवत है श्री राम अब ये राम है राजा भैया हे भैया अब ये राम है राजा ये राम है राजा भैया हे भैया ये राम है राजा पाबोला ये राम है राजा भैया हे भैया ये राम है राजा पाबोला भगवा भैया भगवा भैला एक घाट मा जुर मिल पानी पिए या हे राम हे राम हे राम जवैया हे भैया हे राम हे राम पापोला हे राम हे राम जवैया हे भैया हे राम हे राम पापोला हे राम हे राम जवैया हे भैया हे राम हे राम पापोला आइए कजरा बंदी आई सुन रो दीदी आई कहोगे का बार चिल्लावत हसिया कथे कसरे बैरी काली दुर्गा मार ही काया तिहार मान ही तैसे लागत थे बैरी अब हम हाथ पानी भर लिया गे हान कोनो जान पाही तल कर हो जही कथे तार रे बैरी माहुनी सुने हो यहाँ हो कई चिल्ले तत्की चला सुने हो चल तो भला जाग पूछबो अभी कहीं नहीं बिगड़े कथे आइए भैया आई सुन तो कथे बुधारू ते चिल्ला हंसते कोई चिल्ला थे रखे थे मैं तो लकावर चिल्ला हूँ यार कथे आई हा मनहरन भैया वाह वाह तू मनहर वाह का बात है नहीं काबर चिल्लावा थो कथे कसगा का तिहार माना थे ते मुंधेरा रहा का पारा थो ले तो भला
गांव भर के मन खेमन बैठे थे मन सुन डरी एमन बोरिंग में उड़ाल देते मन नहीं सुने हैं। खैर कोई बात नहीं है, तुम मल्ला भी पता चल जैसे चलो राजा के पास में लिखो भैया और बाबर भैया हाथ और धनगा दोनों लोग बता दे कसगा हम नहीं सुने हाँ देकार से तू मन ला बने प्रेम से पूछा था तो तू मन हम बताल छोड़ के मार्ट टिट टिट कर था और बताइए जब क्या होएगा। अरे बात ऐसा नहीं, वो राजा दशरथ के बड़े बेटा रामला जानते हो? रामला आई रामला नहीं जानबो भैया, रामपन में खेले खाए हाँ तो रामला कैसे नहीं जानबोगा, नहीं जानबो कहीं रागला मात हो वही राम तो अयोध्या के राजा बना थे वो हमारे देश में गांव में नगर में राम राज आने वाला है राम राज आई काला का थे भैया राम राज का ले तब मैं लोग कौन समझा। अरे राम राजोला कथे नोनी हो भगवा बैला टुकड़ा बिलैया उड़ा देवा जम्मो झर चूल मिल गए कथन घटना पानी पिया हुई है राम राज कथे हमर के एक मतलब है छुआ छू छूच नीच के भेद हो मिटा जा और ये सब में भाईचारा के प्रेम बन जही हिला राम राज कथनो नहीं हो ऐसे करो राजा घर के कारोबारे कोनो प्रकार की निंदा पतित नहीं होना चाहिए खाली तुम मुंह रहा ले हो कथे नगा आचरा हम मुंह रहा ले आगे वहाँ का बूता कर बोला ऐसो पानी संच के रह गिरे नो नहीं हो राजा घर के बकरी पोंगा मना पकलावा थे कल काट लो हो करो बरी बना हो कथे कारगा आंटी आया सन गोठिया थस बने पूछ बता कथे जब गांव भला झारा झारा नहीं होता देह बिचारा हा तो कर भोजन के व्यवस्था करे लागी बोरा बोरा दार बोरा है आहू ता कोनो धोहु कोनो पिसु कोनो किसान सनु कोनो फट्टा 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 ऐसी कौन बात है भैया ले हमारे मुंह रहा अब होगा कितने का आश्रम और वही समय में ये मंत्री मन रामा नगर ला कैसे सजावा थे ये विश्राम चारों दिशा में राम राज्य की खुशी छा गई लेकिन ये खुशी कुंडली सावत है ऊंच निवास नीच कर टूटी और देख न सके ही प्रायोभूति कहने का श्रीराम जब एक खबर ला देवता मन सुनिस लाई हो तो देवता मन जो है एक जगह सक लागे और विचार मंथन करे भर लग के कहने का श्रीराम और प्रभु राम की कृपा से और सब काम हो रहा है राम प्रभु राम की कृपा से सब काम हो रहा है राम प्रभु राम की कृपा से सब काम हो रहा है राम प्रभु राम की कृपा से सब काम हो रहा है राम कहते हो तुम कन्हैया कहते हो तुम कन्हैया सब काम हो रहा है राम प्रभु राम की कृपा से सब काम हो रहा है राम प्रभु राम की कृपा से सब काम हो रहा है राम प्रभु राम की कृपा से सब काम हो रहा है राम प्रभु राम की कृपा से सब काम हो रहा है राम मन सगला के कथे भगवान भोलेनाथ कथे देखा था विष्णु ऐसने बंथे जी जैन खातिर राम अवतार ले ओ तो घर द्वार में माया मोह में फंस के राजा बनल धरा थे अब कैसे करबो कथे विष्णु कथे एकर पर उपाय सोचबो ने यार एक अक्कनी बात में हार मत मानो तब तो कथे एकर पर कोई ना कोई उपाय ढूंढबो एकर लिए देवी सरस्वती के आह्वान करबो कथे नगा श्री राम ब्रह्मा जी कथे विष्णु जी ठीक कहा थे भोलेनाथ देवी सरस्वती है काम ला बना सकते चलो देवी सरस्वती के स्तुति कर थना वहां कर थन कहने का श्राम तब तीनों देवता मिल के सुंदर आज देवी सरस्वती के वहां कर थे कहने का श्राम।